आज हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से सबसे पहले आज कुछ बातें करेंगे। अगर आप देखिए 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, यानी अगर आप अभी क्लास 9th में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस बात को पहले पूरी तरीके से समझ लें। देखिए, जो नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो हमने इस चैनल पे उनके लिए अभी से ही एक सिलेबस शुरू किया, यानी क्लास 10th का हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का और हर टॉपिक का, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए हमने इस बार डिसाइड किया है कि क्लास 10th का कंप्लीट पूरी तैयारी करवाई जाए। तो उसी के लिए आज हमने शुरुआत किया है, भौतिक से शुरुआत किया है। आज हम लोगों ने भौतिक का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। और देखिए, हम इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि अगर प्रकाश का परावर्तन शुरू किया है तो एक वीडियो में एक घंटे का वीडियो बना के उसे पूरा समाप्त कर दें। नहीं, वो कम टाइम होता तब कर सकते थे, बट अभी हमारे पास काफ़ी समय है, एक साल से भी थोड़ा अधिक समय है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में अगर जितने किसी कोचिंग सेंटर में जितना पढ़ाया जाता है ना टॉपिक, एक घंटे में 4 से 5 टॉपिक, तो हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे 5 से 10 मिनट में। तो आप सोचिएगा कि वहाँ एक घंटे में पढ़ाया जाता है तो यहाँ 5 से 10 मिनट में कैसे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, वहाँ पे होता है कि बच्चों को दिखाया जाता है, सर आराम से बोलते हैं, दिखाते हैं, बट इसमें क्या है, हमने पहले से नोट्स बना के रखा है, तो आपको नोट्स को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और अगर आपको जो समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, भौतिक क्लास 10th यानी वर्ग 10th का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका कि नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग जो है ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश, ये प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला हमारा आँख और दूसरा प्रकाश। तो आँख तो हमारा शरीर का अंग है, बाकी जो नेचुरल चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वह प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 2 में, प्रकाश के स्रोत यानी लाइट सोर्स। तो स्रोत का मतलब होता है जिससे कि हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है। तो प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे हमें प्रकाश मिलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है यानी प्राकृतिक मिलता है, बाकी हम लोगों ने बनाया बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, दिया, ये सभी हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब अगला हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तु प्रकाश देती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि लालटेन, मोमबत्ती, सूर्य, टॉर्च आदि। फिर इसी का अपोजिट अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु प्रकाश नहीं देती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दुनिया के लगभग बहुत सारे वस्तु अप्रदीप्त है, बस कुछ वस्तु प्रदीप्त है। तो जैसे दीवार, घर, ईंट, लोहा, मिट्टी, ये सभी क्या है हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है वो है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। तो देखिए, स्कैटरिंग क्या है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अगर देखिए, हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि जिस वस्तु पर हमें सीधी प्रकाश नहीं भी पड़ रही है फिर भी हम उसे देख सकते हैं। तो वो हम कैसे देख पाते हैं, तो वो हम देख पाते हैं प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा, प्रकीर्णन के क्रिया के द्वारा। तो देखिए,
इसको कैसे, प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे चारों ओर विकृत कर देती है, यानी फैला देती है। तो वही जो चारों ओर प्रकाश फैलता है वही प्रकाश उस वस्तु पर भी पड़ता है जिस पर कि प्रकाश सीधी नहीं पड़ रही हो, तो उसे हम लोग देख पाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्या, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के बाद देखेंगे किरण। देखिए प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है। अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप सिंपली एक मोमबत्ती को दूर जला के कहीं रख लीजिए और एक सीधा पाइप से देखिए तो मोमबत्ती दिखेगा, लेकिन अगर पाइप को टेढ़ा करके मोमबत्ती को देखिए तो मोमबत्ती नहीं दिखेगा, जिससे पता चलता है कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। और सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो किरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बीम। देखिए किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, यानी किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सिंपल खत्म, ठीक है, एक लाइन में किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर अभिसारी, डाइवर्जिंग, पैरेलल कन्वर्जिंग। तो देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, एक बिंदु से निकल कर फैलना, यानी इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती है, यानी एक बिंदु से निकल कर अगर वो फैलता है तो वो होता है अपसारी यानी डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। अब नंबर दो समांतर में चलते हैं। तो देखिए समांतर में क्या है, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी सीधे सीधे चलते रहती है। तो ये होता है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम्स। अब चलते हैं नंबर तीन में अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है ना, किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, इसमें क्या होती है एक बिंदु पर आके मिलती है, तो ये होती है अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए एक बार फिर से तीनों को देखते हैं, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकल कर फैलना, समांतर का मतलब होता है सीधा सीधी समांतर चलना, और अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर मिलना। तो ये तीनों हम लोगों ने देखा। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए बस एक टॉपिक और देखेंगे और फिर हम आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम लेकर के, इसको इस वीडियो को फिर इसी टॉपिक पे समाप्त करेंगे। तो इसमें देखिए देखेंगे कि पदार्थ को देखेंगे कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, पार हो जाती है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच यानी शीशा, पानी, हवा, ये सभी क्या है पारदर्शी पदार्थ। इससे जो है ना हम आसानी से आर पार देख भी सकते हैं, क्या कांच से देख सकते हैं ना, हम लोगों का चश्मा में भी कांच लगाया जाता है, पानी के भी आर पार देख सकते हैं और हवा के भी आर पार देख सकते हैं। तो ये होता है पारदर्शी पदार्थ। अब हम लोग देखेंगे नंबर टू पारभासी, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है, यानी आधा पार होता है, ठीक है, यानी प्रकाश की कुछ मात्रा पार होती है, पूरी पार नहीं होती। अगर इसमें हम लोग देखेंगे भी ना तो हमें दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, पूरा साफ से दिखाई नहीं देता। तो ये होते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ सॉरी शीशा, कागज नहीं घिसा हुआ शीशा या कांच, बैलून की रबर, आँखों की पलक, चर्म यानी चमड़ी, रक्त यानी खून, कुहासा, बादल। इसमें देखिए ये ऑब्जर्व करिए कि अगर आप कागज के आर पार देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसमें तेल लगा दीजिए ना तो उसके आर पार थोड़ा सा दिखता है। उसी तरह से अगर उसमें प्रकाश भी, अगर उसमें प्रकाश की किरण डालेंगे तो थोड़ा सा यानी आधा जो है वो क्रॉस कर जाएगा। तो ये सभी होते हैं पारभासी पदार्थ।
और नंबर तीन अपारदर्शी ओपेक्यू या नॉन ट्रांसपेरेंट वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, घर, मिट्टी, शरीर आदि। तो देखिए पारदर्शी जिससे प्रकाश पार हो जाए, पारभाषी जिससे आधी पार होए, और अपारदर्शी जिसमें पार नहीं हो। तो यही था आज का हम लोगों का टॉपिक। तो आज हम लोगों ने प्रकाश का परिवर्तन का पार्ट वन देखा, जिसमें कि हम लोगों ने आज क्या देखा, प्रकाश, किरण, किरण पुंज, प्रकाश के स्रोत और पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी। आज हम लोगों ने इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया। तो आप हमें बताएं कमेंट में कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी ये फर्स्ट क्लास कैसी लगी 2023 के प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, किसी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या आ रही हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके अगले, इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।